अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन बोगारी है। मैं फाउंडर और सीईओ हूँ स्ट्रीट टू स्कूल प्रोग्राम का। जैसा कि आप सबके इल्म है कि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और अब हम फर्स्ट राउंड के एग्जाम्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं अपने तमाम डोनर्स और सपोर्टर्स और फेसबुक के तमाम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा हम लोगों ने एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया है, जिसके अंदर तकरीबन हमने प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस्ड हमने एग्ज़ाम किया है। थ्योरी में जैसे नॉर्मल बच्चों का जैसे एग्जाम होता है रिटन वर्क वो है, और प्रैक्टिकल के अंदर हमने इस तरीके की चीज़ें की हैं कि फॉर एग्जांपल बिगनिंग साउंड के हम फ्लैश कार्ड्स यूज़ करेंगे, चीज़ें करेंगे ताकि बच्चे को एक चीज़ मालूम हो कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, उसको रिकग्नाइज कर सके। जैसे कि जनरल नॉलेज में वेजिटेबल नेम्स हैं और फ्रूट नेम्स हैं, ऐसे को हम इसे बच्चों से पूछना नहीं कि पाँच सब्जियों के नाम बताओ, पाँच फ्रूट्स के नाम बताओ। उसमें हम बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखा के बच्चों से पूछेंगे, आइडेंटिफाई करवाएंगे, ऑर्गेनाइज करवाएंगे चीज़ों को ताकि बच्चे को पता हो कि वो क्या चीज़ पढ़ रहा है, क्या चीज़ सीख रहा है। इसके अलावा इस दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी में तो हमने बातचीत की है कि बच्चों के रैंक सिस्टम हम ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो पोजीशन थी उनको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। तमाम बच्चा सिर्फ पास या ट्राई अगेन पे जाए, फेल का कॉन्सेप्ट भी हम ख़त्म कर रहे हैं, ट्राई अगेन की तरफ जा रहे हैं और कोशिश करें कि जो बच्चा रह जाता है पेपर में तो उसका वापस से री एग्ज़ाम करके उसको भी हम उसी में बताएं कि तुम भी पास कर सकते हो, ताकि ये बच्चे मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। क्योंकि मार्क्स की दौर के अंदर पेरेंट्सों के स्कूल वालों को ये नहीं देखता कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कोशिश है हमारी कि बच्चे इतना पढ़ जाए, इस कुछ समझ से पढ़ जाए ताकि जब वो गवर्नमेंट स्कूल जाए तो अपना ईजिली मैट्रिक कर सके। तो आप सबसे मेरी अपील है कि हमारी इस कोशिशों को मैं आप बताएं कि हम क्या चीज़ मज़ीद ऐड और लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।